الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानान गिरामी और मोहतरम सामईन बुजुर्गों दोस्तों और माओ और बहनों, हजरत मौलाना सैयद जलालुद्दीन कुमी रहमतुल्लाह अलैह उनकी शख्सियत, उनकी खिदमात, उनके कारनामे, इन सब पहलुओं पर तफसील से बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। इन बातों से हम सब ने अंदाजा लगा लिया है, बल्कि पहले से हम ये महसूस करते रहे हैं कि मौलाना की शख्सियत की सबसे बड़ी खसूसियत उसकी जामियत है कि वो एक तरफ एक बुलंद पाया मुसन्निफ है, कोई मामूली मुसन्निफ नहीं बल्कि ऐसे मुसन्निफ जिसकी तसनीफात ने सारी दुनिया को मुतासर किया, सारे आलम इस्लाम पर असरात छोड़े, दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में उनकी किताबों के तर्जुमे हुए। फिर ये जो मौलाना की तसनीफात रही हैं, आप अगर उनका मुताला करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उनकी तहरीर में बैक वक्त कई खसूसियात जमा थी। उन्होंने आम तौर पर ऐसे मौजूआत पर कदम उठाया जो वक्त के सुलगते हुए मौजूआत थे, अनटस्ट मौजूआत थे जिन पर इससे पहले ज्यादा नहीं लिखा गया था। जिस मौजू पर भी कलम उठाया उसमें कुरान हदीस के साथ साथ मुतकद्दमीन सलफ़े सालेहीन उनकी किताबों से भरपूर इस्तेफादा, फिर उस मौजू से मुतालिक जदीद उलूम समाजियात नफ्सियात सियासियात माशियात इन सब उलूम से भी भरपूर इस्तेफादा। मौलाना ने इसके लिए बाकायदा, बहुत कम लोग जानते हैं कि जदीद उलूम से इस्तेफादे के लिए मौलाना ने बाकायदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था और जदीद उलूम से अंग्रेज़ी कुतुब से भी वो भरपूर इस्तेफादा करते थे। मौजूआत बहुत गहरे होते थे लेकिन इन मौजूआत को जिस सलासत से, जिस आम फहम तरीके से, बिल्कुल सिंपल जुबान में मौलाना बयान करते थे, मैं समझता हूँ कि ये भी आपकी तसनीफात की एक बहुत ही यूनिक खसूसियत थी। तो एक तरफ उनकी तसनीफात हैं, दूसरी तरफ यह सारा इल्मी काम, गैर मामूली इल्मी काम उन्होंने किसी हुजरे में बैठकर मुकम्मल नहीं किया। कोई अगर आइंदा तसानीफ उनकी देखेगा तो शायद यह समझेगा कि पूरी एक सुई से सिर्फ इसी काम के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ की थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मौलाना ने यह सारा काम तहरीक इस्लामी की इंतहाई सरगर्म दावती मसरूफियात, फिर तहरीक इस्लामी की क़ियादत की मसरूफियात, इन सब के दरमियान अंजाम दिया। बिल्कुल नौजवानी से 1953 से जैसा कि बातें आईं, मौलाना जमात की मरकज़ी क़ियादत से वाबस्ता रहे, मजलिस नुमाइंदगान के रुकन रहे और इस पूरे अरसे में मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ जमात की उन्होंने अंजाम दीं। बातें यहाँ तफसील से आ गईं कि सिर्फ जमात उनका मैदान नहीं था बल्कि मिल्लत मुल्क के हालात इन सब में भी उन्होंने भरपूर इंटरवेंशन किया। तो ये जो जामियत है, बैक वक्त कई महाजों पर गैर मामूली खिदमात अंजाम देने की सलाहियत है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही मुनफरिद खासा मौलाना मरहूम की शख्सियत का था। तो आपके जाने से सिर्फ एक खला पैदा नहीं हुआ है, कई खला पैदा हो गए। एक बड़े मुसन्निफ का खला पैदा हो गया, एक बड़े तहरीकी रहनुमा का खला पैदा हो गया, उम्मत के मुख्तलिफ तबकात को जोड़ने वाला एक उम्मत के रहनुमा का खला पैदा हो गया, कई खला पैदा हो गए। अब ये हमारी नौजवानों की जिम्मेदारी है, इस तहरीक की नई नस्ल की जिम्मेदारी है कि वो इस खला को पुर करने के लिए आगे बढ़े। मेरी आपकी हम सब की जिम्मेदारियाँ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। घर में किसी बुज़ुर्ग का, वालिद का इंतकाल होता है तो
तो बच्चे और ज़्यादा ज़िम्मेदार हो जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मौलाना मरहूम के इंतकाल से हम सब की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं इस मौके पर ख़ास तौर पर अपने नौजवान दोस्तों को मौलाना की एक बड़ी अहम खसूसियत की तरफ मुतवज्जे करते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मौलाना ने ये जो गैर मामूली काम किए, कई महाज़ों पर अज़ीम-उश-शान कारनामे अंजाम दिए, तो उसमें जहाँ उनकी ज़हानत व फ़तानत का दखल है, उनकी मेहनत मशक्क़त गैर मामूली हार्ड वर्क इसका दखल है, इन सबसे ज़्यादा सबसे अहम जिस खसूसियत का दखल है, मैं समझता हूँ कि वो मौलाना की मकसदियत और अपने मकसद के लिए, अपनी ज़िंदगी के मिशन के लिए उनकी एक सुई इस खसूसियत का दखल है। ज़हीन लोग बहुत से होते हैं लेकिन उनकी ज़हानत इतने बड़े कारनामे प्रोड्यूस नहीं कर पाती। बहुत से ज़हीन लोग मेहनत भी करते हैं लेकिन बड़े लोग वो बनते हैं जो अपने काम का, अपने मकसद का, अपने नज़्बुलैन का शऊर रखते हैं और उस मकसद और नज़्बुलैन के लिए पूरी तरह एकसू होते हैं। मौलाना ने बिल्कुल नौ उम्र में 19 साल की उम्र में एक फ़ैसला किया कि मुझे तहरीक इस्लामी की खिदमत में अपनी ज़िंदगी लगानी है और तहरीक में भी ख़ास तौर पर इल्मी काम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करनी है। और 19 साल की उम्र में किया गया यह फ़ैसला, 87 बरस की उम्र तक वो इस फैसले पर पूरी इस्तेकामत के साथ, पहाड़ की इस्तेकामत के साथ कायम रहे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस मकसद के लिए अपना वतन छोड़ा 19 साल की उम्र में, तो 87 बरस की उम्र में भी शायद कभी उनको वतन की याद भी नहीं आई, वतन जाने का ख्याल भी नहीं आया, लौट कर जाने का ख्याल भी नहीं आया। लोग हिजरत करते हैं लेकिन सोचते हैं कि हम रिटायर होने के बाद फला मरहले में वापस लौटेंगे। मौलाना को ज़िंदगी में कभी वतन जाने का ख्याल भी नहीं आया। तो जो फैसला उन्होंने किया, पूरी ज़िंदगी एक सुई के साथ उस फैसले के निफास के लिए लगे रहे, तो यही सबसे बड़ा सबक है। आज अगर हम कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, तहरीक की खिदमत करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़कर यही खूबी, यही वस पैदा करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी का एक मकसद, एक नज़्बुलैन मुतय्यन करें। तहरीक को हम क्या देंगे, क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, इस हवाले से अपना मिशन मुतय्यन करें और फिर पूरी तरह उस मिशन के लिए एकसू हो जाएं, उसके लिए ज़िंदगी लगा दें। तो मैं समझता हूं कि मौलाना मरहूम की ज़िंदगी का यह सबसे बड़ा सबक है जो हम सबको सीखना है। आइए हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मौलाना मरहूम की करवट करवट मगफरत फरमाएँ, उन्हें जन्नत में आला तरीन मुकाम नसीब फरमाएँ, अपने महबूब तरीन बंदों, शोहदा सालेहीन के साथ उनके जवार में अल्लाह ताला उन्हें मुकाम अता फरमाएँ और उनकी अजीम खिदमात को उनके लिए सदक़े जारिया बनाएँ। जो खला उनके जाने से पुर हो गया है, अल्लाह ताला अपने फजल ख़ास से उसे पुर फरमाएँ और हम सबको मौलाना के अच्छे नुकूश को फॉलो करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।